युगो युगो से चल रहा है मेल, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल, आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रजनी शिशि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तगणों, मुझे ये आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अपने भक्तों की सुविधा के लिए हमने एक एंड्रॉइड ऐप बनवाई है, जिससे कि शनि पीठ मंदिर के जो सभी हमारे भक्तगण हैं वो बड़ी सरलता से हमारे मंदिर की सभी सेवाओं का लाभ उठा सके। इस ऐप का नाम है एस्ट्रोलॉजी बाय गुरुजी, जिसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और जो सबसे पहला लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करें तो आपको सीधे प्ले स्टोर पर उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से आप इस ऐप को एक बटन दबाकर ही डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने का एक और तरीका है, यदि आप इसके नाम को प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे यानी कि एस्ट्रोलॉजी बाय गुरुजी, इन वर्ड्स को आप प्ले स्टोर पर चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश में टाइप करेंगे तो आप हमारी इस ऐप तक पहुंच जाएंगे। जब आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो आप हमारे शनि पीठ मंदिर की कई सारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि आप हमारे शनि पीठ मंदिर से फ्री में ज्योतिष परामर्श ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए समाधान जान सकते हैं और काफी कम प्राइसेस पर आप हमसे अंगूठियां भी खरीद सकते हैं, अपने लिए यज्ञ हवन पूजन इत्यादि का भी आयोजन करवा सकते हैं। ऐसी कई सारी सर्विसेज, ऐसी कई सारी सेवाएं हमारे शनि पीठ मंदिर द्वारा हमारे भक्तों के लिए प्रदान की जाती है। आज 24 मई 2020 दिन रविवार, ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज पूरे दिन द्वितीय तिथि रहेगी। आज अभिजीत मुहूर्त जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, सुबह 11:51 से लेकर 12:46 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल शाम 5:30 से लेकर शाम 7:10 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, मैं जो आपको ये डेली राशि फल बताता हूँ ये आपके चंद्र गोचर पर आधारित संकेत मात्र है। आप इनके हिसाब से अपने दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, परंतु उसमें देश काल और परिस्थिति की प्लानिंग को भी साथ में जोड़कर ही आप अपने दिनचर्या की जो दिशा है उसको निर्धारित करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आपके विश्वास की कमी आज आपको उत्साहहीन कर सकती है और आप अपने कार्यों में रुचि नहीं ले पाएंगे। आज मानसिक अशांति ही आपकी लापरवाही का कारण भी बन सकती है, परंतु व्यवसायिक लोगों को आज अपने व्यवसाय में तरक्की करने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और कस्टमर्स बढ़ने से आज उनकी इनकम में भी इजाफा होगा। इस समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी, जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। विशेष तौर पर
आज ज्वेलरी और प्रीशियस जेम्स का व्यापार करने वाले लोगों को विशेष धन लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और आम दिनों के मुकाबले वो कई गुना धन कमाएंगे। आज आपको अपने कस्टमर्स को खुश रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए और आज प्रायोरिटी से अपने कस्टमर्स के सभी ऑर्डर्स को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आज आपके संबंध अपने मित्रों के साथ और मजबूत होंगे और आज आप साथ में समय अच्छा बिताएंगे, परंतु अपने लाइफ पार्टनर के साथ आज आपकी कलह होने की संभावना दिखाई दे रही है। आज आप प्रसाद ग्रहण करने से परहेज करें। धनु राशि वालों, अगर आपका अपना मकान नहीं है और आप अपने सपनों का मकान जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पुखराज की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से आप शनि देव को प्रसन्न करके शनि साढ़े साथी में होने वाले कष्टों से निजात पा सकते हैं। प्रिय भक्तों, आप सभी को शनि साढ़े साथी के दौरान अंधे व लंगड़े व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। भूल कर भी आप किसी कुत्ते को हानि पहुंचाने का प्रयास ना करें। साथ ही साथ इस उपाय को कुछ दिनों पश्चात अपने शनि साढ़े साथी के दौरान करते हैं। आप नारियल के खोपड़े में तिल और बूरा और चीनी डालकर उसे ढक दें और उसके बाद उसे जमीन में दबा दें। यह उपाय यदि आप श्रद्धापूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर शनि साढ़े साथी के दौरान शनि देव आपको पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। Namaste. My name is Kiran and I'm from South Africa. I'm actually a tarot reader in South Africa and I also have been on the local TV programs and newspapers and I will always visit India to visit Guru Rajneesh Rishi Ji. My experience with Guru Rajneesh Rishi Ji was when I was going through troubled times. This was way back in 2013. And I was searching online and I've been to many of them, many spiritual leaders who I sought help from, but none of them came, could help me out. So I went online and started searching for somebody who's genuine and strong in the background of astrology. And that's when I came across Guru Rajneesh Rishiji's website. And he gave me everything in detail. And with his blessings, I was able to go forward. And afterwards, a lot of problems were solved. And whenever there's any issue that comes up, be it with me or my family, all I do is close my eyes and call upon him. And I meditate upon him and he does appear in the dreams. And those signs and symbols that he gives you in the dreams actually help you to move forward in life. Using his gem rings actually bring about a lot of positivity in your life and it enhances your life in every aspect. Not only does he tell you to use the gem rings, but he also gives you other remedies as well. And together with the blessings of Guru Maharaj Rukmani Ji, I also was able to go forward. And also at Shani Peet, there's a lot of strength and power that comes out from the pujas that happen. Because even with the Navgraha Shanti Puja that I performed with Guruji and Guru Ma, it actually changed life. A lot for me because it brought about a whole lot of new beginnings, new understandings, and also it brings about a whole lot of light in life. So I would recommend visiting Shani Peet at any point in time because it's a place that you will definitely get genuine help from. हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।